Pardon? पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। पढ़ो 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 अच्छे से पढ़ो। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। मैंने लिखा है बहुत तो अविश्वासियों को आपको उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ये आप कभी तभी कर पाओगे जब ये वचन आपके अंदर है। नौवां पॉइंट, इट गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एंड हिज विल। ये हमें परमेश्वर की इच्छा और ये हमें परमेश्वर को और उसकी इच्छा को समझने में मदद करता है। It gives us a better understanding of God and His will. अगर हम परमेश्वर को अच्छे से समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है, तो हमें इस वचन को पढ़ना है, मनन करना, अपने हृदय में रखना है। Amen. उसके लिए वचन देखेंगे यूहन्ना का आठवां अध्याय, उसका 31 और 32 वचन। John chapter 8 verse 31 and 32. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर परमेश्वर का चेला या उसका शिष्य ठहरना है, अच्छा शिष्य, तो उसके वचन को, उसके वचन में हमें बने रहना है। आमीन। आमीन। दूसरा वचन देखते हैं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 14 वर्स 21। जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। यहाँ पर सबसे पहला जो चाबी दिया यीशु ने, कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। आमीन। हमारे पास परमेश्वर की आज्ञा है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है? इन आज्ञाओं को मानना है, आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना है, याद करना है। और आगे लिखता है यीशु, आगे कहते हैं लास्ट जो लाइन है, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जब आप उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हो, तो यीशु अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। अगर वो अपने आप को प्रकट करता है, मतलब श्योर है कि आप उसकी इच्छा को जानते हो कि अब क्या करना है आपके जीवन में, आप होपलेस नहीं हो, आपको मकसद मिलता है। तो हर एक चीज़ का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अपने वचन को परमेश्वर के अपने हृदय में रखना है। आमीन। आमीन। उसके लिए आप एक और वचन लिख सकते हो, रोमियो 12:2, कि परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा को, अच्छी इच्छा को जान लो। और ये हम कैसे जान सकते हैं? उसके वचन से। आमीन। ओके, कितने लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं? सब लोग, ये को छोड़ के बाकी के सब ठीक है। ग्रांटेड, बुद्धिमान बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ ना, सब। ओके, अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो इसका सबसे आसान आसान और एक ही तरीका मैं तो बोलती हूँ, वो हम देखेंगे क्या। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई दूसरा तरीका बुद्धिमान बनने का। अगर वो बुद्धिमान बन भी जाते हैं तो भी परमेश्वर की नज़र में वो क्या है? मूर्ख है, मूर्ख है। आमीन। आइए देखते हैं कि अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो क्या करना है। दसवां पॉइंट, इट मेक्स अस वाइज, ये हमें बुद्धिमान बनाता है, इट मेक्स अस वाइज। सो भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसका 7वां वचन देखेंगे। भजन संहिता 19 उसका 7
साथ। भजन संहिता 19 का साथ। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों को, बेवकूफ लोगों को क्या बना देते हैं? बुद्धिमान बनाते हैं। ये यहोवा का व्यवस्था, उसका व्यवस्था, उसका वचन साधारण सिंपल लोगों को वो क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। आमीन। आमीन। एक और वचन देखेंगे, कितना काफी नहीं है ना ये? हाँ, लिख दिया होगा ऐसे ही हमें। भजन संहिता 119 उसका 98 और 99 वचन पढ़ेंगे। वेरी ब्यूटीफुल वर्स। भजन संहिता उसका 119 का 98 और 99। भजन संहिता 119, 98 और 99। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। हालेलुया। पढ़ा सबने? यस। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। हालेलुया। अगर प्रभु का वचन आपके मन में है तो आप अपने शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान रहोगे। वो कितनी भी योजना बना लें, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये एग्जाम्पल दे नहीं सकती क्योंकि कैमरा ऑन है, बट हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से जासूस थे, बहुत से लोग थे जो हमारे पीछे पड़े थे, जो हमारे हमारे खुफिया बातों को जानना चाहते थे और फैलाना चाहते थे और बहुत कुछ हमारे खिलाफ करना चाहते थे, लेकिन हम हमेशा उनसे एक स्टेप आगे रहते थे। वो कुछ ऐसी योजना बनाते थे और हम उनसे एक स्टेप हमेशा आगे रहते थे, बच के निकल जाते थे। आमीन। तो परमेश्वर के वचन को जब आप अपने हृदय में रखते हो तो ये आपको आपके शत्रुओं से बुद्धिमान बनाता है। शत्रु कितना भी चालाकी कर ले, कैसी भी योजना बना ले, आप उसे एक स्टेप हमेशा आगे हो, उसको पीछे छोड़ के आप एक स्टेप हमेशा आगे हो। आमीन। और उसका 99 वचन कहता है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे चेतावनियों पर लगा है। आई हैव मोर इनसाइट देन ऑल माय टीचर्स, फॉर योर टेस्टिमनीज आर माय मेडिटेशन। मैं तेरे चेतावनियों पे, तेरी आज्ञाओं पर, तेरे वचनों पर दिन भर मनन करते रहता हूँ, इसीलिए मैं अपने टीचर्स से भी, जो मुझे सिखाते हैं, मेरे टीचर, मेरे शिक्षक, उनसे भी मैं बुद्धिमान ठहरता हूँ। मेरे टीचर से भी मैं स्मार्ट हूँ, बस इसी कारण, क्योंकि मैं तेरे वचन में मनन करता हूँ। तो अगर आप अपने परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखते हैं तो आप अपने शत्रुओं से चालना करें, कितनी भी चाल चले हो आपके सामने, आप उनसे एक स्टेप हाइयर। आमीन। और अगर आप अपने टीचर से भी स्मार्ट बनना चाहते हैं तो अपने उसके वचन को अपने मन में रखें, इस पर मनन करें। आमीन। 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 ओके, लेट्स रीड 100 आल्सो। वाओ, ब्यूटीफुल। हम शत्रुओं से तो समझदार हो गए, टीचर से भी समझदार हो गए, अब 100वां वचन देखेंगे। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। I understand more than the aged because I have observed your precepts. मैं पुरनियों, जो पुरखे लोग होते हैं ना, मैंने हमेशा अपने यूपी वाले घर में सुना है सबके मुँह से, तूने अभी दुनिया कहाँ देखी, मैं दुनिया देख लिया हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखी है, हर जगह से पूरी दुनिया में देखा हूँ, मुझे तू मत घुमा, मुझे तू मत, मुझे क्या सिखाई देती, पूरा दुनिया देख के आया हूँ, पूरा ज्ञान है, अनुभव है हर चीज का, मेरा इतना एज हो गया, मुझे अनुभव है। हालेलुया। तो वो अनुभवी लोग जो बहुत अनुभव पाए हुए हैं, जो बहुत एज वाले हो गए हैं, जिनके बाल पक गए हैं, सफेद हो गए हैं, उनसे भी समझदार आपको कौन बनाता है? परमेश्वर का वचन। मतलब इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो लोग अपने अनुभव से इतने सालों बाद सीखते हैं, उनको 40 साल का धक्का खाने के बाद, 40 साल का मगजमारी ठोकर और सब कुछ सहने के बाद, 40 साल बाद उनके दिमाग फिर खुलती है कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे साथ धोखा हो चुका है, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, जो इतने अनुभव के बाद उनको समझ में आता है, वो परमेश्वर का वचन हमको बिना अनुभव के ही समझा देगा। हमको उसके लिए अनुभव की या उन हार्ड नॉक्स या उन मरम्मतों की जरूरत नहीं है।
कि हमको सब कुछ सहना पड़ेगा। हालेलुया। जो लोग कहते हैं ना मैं तुमसे अनुभव में तुमसे एज में बड़ा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा बुद्धिमान है बुद्धिमानी है, उनको बोलो मैं वचन से बड़ा हूँ, मैं तुमसे तुम्हारे अनुभव से बहुत बुद्धिमान हूँ। आमेन। तो किसी का आपके सामने नहीं चलेगा, चाहे वो पूर्णिया लोग हो, बहुत एज के लोग, बहुत अनुभव पाए हुए, बहुत एक्सपीरियंस, जो हमेशा बोलते हैं ना मुझे तुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने जीवन ज़्यादा देखा है, उनको बोलेगा मैंने वचन ज़्यादा देखा है। Amen? और ये सबसे ईजी तरीका है उनको लाइफ में एक अच्छा लेसन देने का। Amen? परमेश्वर हमें परिस्थितियों से, लोगों से, अनुभवों से नहीं सिखाता है। Amen? हम कई बार हमारी ये सोच थी कि परमेश्वर हमको ये गरीबी से लेके गुजर रहा है, हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे ताकि हम उस पर विश्वास कर सके और आगे जब हमको जरूरत पड़े तो हम स्थिर खड़े रहे। परमेश्वर हमको परिस्थितियों से नहीं सिखाता है, वो तो चाहता है कि आज के आज हम धनी हो जाए, आज के आज हम खुद के घर में शिफ्ट हो जाए, आज के आज हम एक आलीशान जीवन जिए। लेकिन बस पीछे इसलिए हटते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वचन को वो स्थान नहीं दिया। उसका वचन जो है अगर हम अपने हृदय में रखते हैं तो हमें इन अनुभवों की जरूरत नहीं है, हमें कोई चीज का एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, हमारे लिए चीजें तुरंत होंगी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जो मुझे बाद में हुआ और याद आया और ये एक्सपीरियंस है मेरा कि जब मैं वचन को याद करती हूँ तो वचन याद करते टाइम मुझे रेवलेशन मिलता है। When you memorize verse, you get revelation out of it. अगर आप वचन याद करते हैं तो आपको उस वचन से प्रकाशन मिलता है याद करते समय। कितनी बार मैंने वचन याद किया और देखा रहे वचन है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका वचन तो कुछ और है। मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 वचन जो कि बहुत फेमस वचन है। 16:31 बहुत फेमस वचन है, सब कोट करते हैं, सबको मालूम है ये वचन। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रीड इट इन इंग्लिश। 16:31 And they answered, Believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Amen. Believe in the Lord Jesus and Christ. You will be saved. You and your household, your family. Amen. यहाँ पर वचन कहता है कि तू यीशु पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा, तू फिर कौमा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज तक तो मैंने ये वचन ऐसा सुना था कि अगर तू यीशु पर विश्वास करे तो तेरे घराने को उद्धार पाना है, और मैं कितने साल तक ये वचन को पकड़े हुए मैं क्लेम करती थी कि यीशु तूने कहा कि मैंने उद्धार पा लिया मेरा परिवार उद्धार पाएगा। लेकिन आपको पता है ये वचन ऐसा नहीं कह रहा है, ये वचन कह रहा है कि अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तेरा उद्धार होगा, कौमा तेरा और तेरे परिवार का उद्धार होगा। जैसे तूने विश्वास करके तेरा उद्धार हुआ वैसे ही तेरे परिवार वाले भी जब विश्वास करेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। सिंपल, दूसरे के विश्वास को दूसरा उद्धार थोड़ी होगा, तो वचन भी लिखा है ना, तू मन से विश्वास करेगा मैं उससे अंगीकार करेगा कोई वो ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में आज तक मेरे दिमाग में तो यही था कि मैंने विश्वास कर लिया मतलब मेरे परिवार वालों को उद्धार पाना ही है, वो कभी नाश नहीं होंगे, उनको यीशु में आना ही है। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे प्रार्थना के द्वारा उनको फॉलो करता है, उनको छोड़ेगा नहीं अंत तक। लेकिन ये वचन का मैं मतलब ये नहीं, और ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं इसको याद कर रही हूँ। Amen? तो अगर परमेश्वर के वचन में प्रकाशन पाना है जब हम याद करते हैं तो हमें प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे गुरु में हैं आजकल, अभी कितने लोग से हम लोग सुनते हैं कि अरे वचन तो याद तो करते हैं लेकिन याद रहता नहीं है, याद किया एक बार दो किए बार याद किया तीन बार याद किया फिर भूल जाते, याद नहीं रहता। अभी मैं पूछूं कितने लोग ने आपका पैसा लिया है वो बताओ। सबको याद है, पूरा लिस्ट दोगे मुझे नाम के साथ डेट के साथ कितना पैसा लिया एक एक रुपया उसका पूरा हिसाब दोगे मुझे, कैसे याद है वो? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि पैसे का मामला है, कैसे भूल जाएंगे उसको, ऐसे कैसे जाने देंगे इतना मेरा कर्जा मेरा पैसा लिया नहीं भूल सकते। लेकिन वचन याद नहीं रहता क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट है तो ये बहाना हम कभी नहीं देंगे कि मुझे याद नहीं रहता। Amen. Amen. जैसे कि एक फेमस स्टोरी है रोजर ने भी शेयर किया था,
कि रतन टाटा ही वाज द पर्सन हु यूज्ड टू फॉरगेट नो ही वाज द पर्सन हु वाज गिविंग द एडवाइस. रतन टाटा जो है उन्होंने एक उनके कर्मचारी थे वो कर्मचारी जो उनका था वो हमेशा जो है एम्प्लॉयर वो भूल एम्प्लॉय जो है वो भूल जाता था अपना पेन पेन कहीं भी जाता था वो पेन अपना भूल जाता था. तो रतन टाटा ने उनको कहा कि तुम एक काम करो सोने की पेन खरीद लो और गोल्ड का पेन अपने पास रखा तुम नहीं भूलोगे. तो इसने कहा कि गोल्ड का पेन इतना कीमती सामान मैं कैसे लेके घूम सकता अगर मैं भूल गया तो नहीं नहीं तुम लेके तो देखो. और वो कभी जिंदगी में फिर वापस पेन भूला है क्योंकि वो क्या है गोल्ड का है अगर वो गुम हो गया तो इतने का उसका नुकसान होगा. तो किसी भी चीज का जो इम्पोर्टेंस है वो हमको उसके वैल्यू से पता चलता है. आप कितना उस चीज को वैल्यू करते हो आप पैसे का वैल्यू करते हो इसीलिए आपको याद है कि आपको कितने कितने पैसे किसने किसने दिए हैं तो उसको वो आपको इम्पोर्टेंट लगता है. अगर आपको इसका वैल्यू पता चले कि ये वचन का वैल्यू कितना है इसका कीमत कितना है तो आप इसका इम्पोर्टेंस आप इम्पोर्टेंट ये आपके लिए होगा ये आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप इसकी कीमत नहीं जानते. आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. सबको समझ में आया तो इन वचनों को हमको क्या करना है आपके अंदर खुश फाइनली समन ओवर ये ताली बजाओ तो भी वो क्लोज द फ्लैप क्लोज ना मतलब आखिर में बोलने का है वो.